हॉन्टेड पड़ोसन। मीरा और सुनीता एक दूसरे की बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी और दोनों पड़ोसन भी थी। दोनों हमेशा साथ में समय बिताती और एक दूसरे के साथ खुलकर बातें भी करती थी। कभी कभी दोनों एक साथ कहीं घूमने भी चली जाती हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। सुनीता का एक बेटा था जिसे मीरा भी बहुत प्यार करती थी, क्योंकि मीरा की कोई संतान नहीं थी। यही वजह थी कि वो सुनीता के बेटे को अपने बेटे की तरह मानती थी। एक दिन की बात है, सुनीता अपने पति के साथ बाइक पर कहीं घूमने गई और रास्ते में ही उसका दर्दनाक एक्सीडेंट हो गया। जिससे सुनीता की उसी जगह पर मौत हो गई, जिसका सदमा मीरा को भी काफी हद तक लगा। और अब वो भी सुनीता के बेटे को अपना पूरा प्यार देने लगी और उसका ध्यान भी रखने लगी। इस वजह से सुनीता का पति भी खुश रहने लगा कि उसके बच्चे का ध्यान रखने के लिए माँ ना सही लेकिन माँ के समान मौसी तो है। एक दिन रात को सभी सो रहे होते हैं, तभी 1 बजे अचानक किसी औरत के रोने की आवाज आने लगती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता और सब के सब फिर से सोने चले जाते हैं, लेकिन ये बार बार होता है। तभी सुनीता के पति को ऐसा लगता है कि घर में लगे हुए पुराने पीपल के पेड़ से रोने की आवाज आ रही है। ऊपर की ओर देखता है तो उसे लाल साड़ी में लिपटी हुई सुनीता नजर आती है, जो पेड़ पर चढ़कर बैठी रहती है और वो बड़ी ही भयानक आवाज में बोलती है, मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो, मैं उसके लिए ही यहाँ आई हूँ। ऐसा सुनते ही सुनीता का पति बुरी तरह डर जाता है और डर की वजह से वो दरवाजा बंद कर देता है। सुनीता की मौत के बाद मीरा ही उसके बेटे को संभालने लगी थी और पूरी तरह से उसका ख्याल रखने लगी थी। एक दिन उसका बेटा आंगन में खेल रहा था, उसी समय लाल साड़ी में लिपटी हुई सुनीता उसके पास आ गई और अपनी आंखें बड़ी करके उस बच्चे को गोद में लेने लगी, जिससे बच्चा भी डरकर रोने लगा और उसी वक्त घर के सभी लोग वहां पहुंच गए। अब गांव के लोगों को भी इस बात का एहसास हो गया कि सुनीता ही है जो हर रात को आकर पीपल के पेड़ पर बैठ जाती है और रोते हुए अपने बच्चे को याद करती है। एक दिन मीरा अपने घर में कुछ काम कर रही होती है, उसी समय वहां पर सुनीता आ जाती है। अपने लंबे खुले बाल और लाल लाल आंखों से वो मीरा को देखती है और भयानक आवाज में बोलती है कि तुम ही हो ना वो जिसने मेरे बच्चे को मुझसे चुरा लिया, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझती हूँ पर तुम तो लुटेरी निकली। मीरा ने उसकी बात को सिरे से नकार दिया और दौड़कर अपने घर चली गई। सुनीता ने मीरा के लंबे लंबे बालों को अपने हाथ से पकड़कर खींच लिया और उसे जाने से रोक देती है। अब हर रोज रात को सुनीता आंगन में आकर रोती और गांव वालों को डराती है। डर की वजह से गांव वाले भी अपने घर में दुबके रहते हैं। एक दिन रात 2 बजे जब सुनीता के पति की नींद खुलती है, तब वो देखता है कि उसका बेटा तो वहां पर है ही नहीं। इस बात से वो बुरी तरह डर जाता है। जब बाहर जाकर देखता है तो आश्चर्य से भर उठता है, क्योंकि वो देखता है कि उसका बेटा उसी पीपल के पेड़ पर जाकर बैठा हुआ है। इसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बुरी तरह से डर जाता है। अब तो गांव वाले भी समझ जाते हैं कि अब सुनीता अपने बच्चे को लेकर ही वापस जाएगी और फिर वापस कभी नहीं आएगी, लेकिन सुनीता का पति उसे बच्चा देने को तैयार नहीं होता। मीरा भी डर जाती है, उसे कहां से ऐसी डरावनी पड़ोसन मिल गई। सुनीता ने अब मीरा का कहीं भी आना जाना मुश्किल कर दिया था। वो कहीं भी जाती तो धूल भरी आंधियां चलने लगती,
साथ ही साथ डरावनी हंसी के साथ उसे डराने लगती ताकि वो कहीं भी आ जा ना सके। इस बात से मीरा बुरी तरह परेशान हो जाती है और एक दिन अपने मायके में सुनीता के बेटे को लेकर चली जाती है, ये सोचकर कि उसका पालन पोषण यहाँ कौन करेगा। सुनीता को बच्चे के रोने की आवाज नहीं सुनाई देती और ना ही बच्चा दिखाई देता। ऐसे में वो बहुत परेशान हो जाती है और पूरे गांव को भी परेशान कर देती है। वो गांव में सब जगह यही चिल्लाती, किसी ने भी उसके बच्चे को रखा है तो उसे वो जान से मार देगी, जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी 10 दिनों के बाद मीरा सुनीता के बेटे को लेकर वापस आती है। अचानक बच्चे के रोने की आवाज सुनकर सुनीता फिर से अपने रौद्र रूप में आ जाती है और मीरा को डराते हुए कहती है, अब तुम्हारी मौत निश्चित है। तुम जानबूझकर मेरे बच्चे को मुझसे दूर ले जा रही हो, लेकिन याद रखना कि मेरा बेटा है और मेरे साथ ही रहेगा। ऐसी बातें सुनकर सुनीता का पति बोलता है कि ये बच्चा उसका है और अब सुनीता मर चुकी है, इसीलिए बेहतर होगा कि सुनीता यहाँ से चली जाए। मीरा भी सुनीता को समझाने की कोशिश करती है कि उसने कभी नहीं चाहा कि उसके बेटे को दूर किया जाए। वो दिन भर रोता रहता था, इस वजह से मीरा ने उसे अपने पास रखा और उसे प्यार किया ताकि बच्चे को माँ की कमी महसूस ना हो सके। ऐसा होने के बाद सुनीता बात समझ जाती है और अपने बच्चे को गले लगाकर कहती है कि तुम लोग मेरे बच्चे का ध्यान रखना, वरना मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। और ऐसा बोलकर वो वहां से चली जाती है। अब गांव वालों को भी रात में चैन की नींद आती है क्योंकि अब किसी के भी रोने की आवाज नहीं आती। सुनीता के जाने के बाद सब खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। जल्द ही मीरा भी माँ बन गई और सुनीता के बेटे को एक दोस्त मिल गया।